नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर नगर के काकादेव कोचिंग मंडी में रहने वाले जाने माने डॉक्टर झा, जिन्होंने विदेश से अपनी डॉक्टर डिग्री प्राप्त की है, कानपुर में उनके निवास पर आए शिवपाल सिंह यादव डॉक्टर झा जन्मदिन पर मां भगवती का विशाल जागरण रखा गया। जागरण में मुख्य अतिथि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह उनके निवास पर आए और डॉक्टर झा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी और मां भगवती की विशाल जागरण में जोत जलाकर जागरण को प्रारंभ किया। वहीं संवाददाता द्वारा बात करने पर यह भी बताया, देश के सामने एक ही नारा दिया है, देश परेशान है, जो भी निर्णय लिया किसान जनता के हित में नहीं लिया। पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएगी और इंडियन प्राइम न्यूज के 5 वर्ष पूरे होने पर संपादक विजय यादव को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। सर, प्रगति समाजवादी पार्टी के 75 सीटों चुनाव लड़ रही कानपुर से। देखिए, ऐसे तो हमारा पूरा समर्थन तैयार है 75 जी, लेकिन मैंने एक ही नारा दिया है देश के सामने, इसलिए दिया है, इस समय पूरा देश परेशान है। जब से भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लिए हैं, कोई निर्णय जनता के हित में, व्यापारियों के हित में, किसान के हित में, नौजवानों के हित में, किसी के मैं नहीं कर। नोटबंदी, GST, आधार, ऐसे तमाम निर्णय लिए हैं वो देश की जनता पूरी की पूरी परेशान हो गई। अभी किसान एक्ट जो पास हुआ है, कृषि एक्ट जो पास हुआ है, अब पूरे देश का किसान परेशान। महज 10-12 महीने बचे हैं चुनाव के लिए, पूरे 75 जिलों में हमारा संगठन है जी। तो मैंने एक ही नारा दिया है, गैर भाजपा बात जी। जितने भी एक समान विचारधारा के पतियाँ हैं, एक सभी सेकुलर पतियाँ एक हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब हो। मैंने एक प्रश्न है, पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरी भारत जानना चाहती है, अभी हाल में भोगनीपुर के विधायक विनोद कटियार ने किसी गरीब की जमीन को कब्जा की थी, इंडियन प्राइम न्यूज चैनल ने बहुत प्रमुखता दिखाया था, विधायक ने पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, इस प्रकरण को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप जानते हो, पूरे के पूरे कमीशन को कर रहे हैं, और देखिए योगी जी के नियंत्रण में नौकरशाही हर जगह भ्रष्टाचार इतना बढ़ा है, इसके साथ साथ महंगाई बढ़ी है जी। अभी हमारे लोगों ने सभी जितने भी सत्ता पक्ष के सांसद थे उनको ज्ञापन दिया है महंगाई और भ्रष्टाचार उसके खिलाफ। और देखिए, बहुत सी मनमानियां हो रही हैं, नौकरशाही सुन नहीं है, मुख्यमंत्री जी के कब्जे में नौकरशाही है नहीं, ये प्रगति समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इस सिस्टम से कैसे लड़ेगी? आपके कार्यकर्ता समान विचार नारा लगता था, छोटे छोटे खिलाफ हो गया और इकट्ठा करके मेरा 75 जिलों में संगठन तैयार हो गया जी। पूरा तैयार है हमें तो चुनाव लड़ाना है प्रगतिशील समाज जी। और जे भी हैं हम हमारे सभी साथियों ने कहा है 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी जी। सर, अभी जैसे पूर्ण बहुमत से बनाएगी या समर्थन लेके बनाएगी सरकार? हम तो पूर्ण बहुमत से बनाएंगे, आज जो माता से आशीर्वाद मांगा है यही मैंने मांगा। अच्छा, यहाँ समाजवादी पार्टी कोई रोल नहीं रहेगा? समाजवादी पार्टी सब कोई रोल नहीं, समाजवादी पार्टी अच्छा अलायंस के लिए कहा है, अलायंस कर लो, अच्छी बात है। ठीक। सर, अभी जैसे अमिताभ ठाकुर जी को जबरदस्ती सेवानिवृत्त किया गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी नौकरशाही है और जो अपना काम नहीं कर रहे, नौकरशाही जब देखिए सफर जब नौकरी में आते हैं, IAS IPS PSC सफल लेते हैं, यूसुफ की सफल लेते हैं, संविधान की कसम लेते हैं, और ये भी सवाल लेते हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे जी, निष्पक्ष काम करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन जब नौकरशाही अपने जो भी कर्तव्य से
लग जाती है तो फिर कार्रवाई तो होनी है। विजय यादव जी उसके डायरेक्टर हैं जो कि विजय यादव उसके हेड हैं जी चैनल के। हम चाहते हैं कि जनता की जितनी भी उजागर करें, हर जनता की जितनी समस्याएं हैं जी जैसे जनता को न्याय। लेकिन चैनल लगातार सच्चाई दिखा रहा, मुकदमे हो जा रहे हैं, कहीं बीजेपी विधायक कर रहे, बीजेपी पार्षद दे रहे हैं उस सरकार ने। अगर पत्रकार की हत्या हो जाएगी तो प्रसपा क्या उनके लिए कोई सहयोग करेगी? सच्चाई में दम होती है जी, सत्य की जीत होती है, विजय फिर सत्य की होती है।